आयुक्त कार्यालय गोरखपुर में प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया और शिक्षक समर्थकों ने रमेश बिमल के समर्थन में खूब लगाए नारे। ब्यूरो रिपोर्ट, हामिद अली। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ये बताइए बिमल जी, शिक्षक एमएलसी वाला जो आपने नामांकन किया है तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा, ये बताइए। शिक्षक एमएलसी में नामांकन कराने का हमारा प्रमुख उद्देश्य। कितनी तारीख को आपने किया? 11 नवंबर को हमने गोरखपुर आयुक्त कार्यालय में नामांकन कराया है और 1 दिसंबर को मतदान होना है। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सभी प्रत्याशियों ने 12 तारीख तक प्रत्याशी बनने का कार्य किया है और उसके पश्चात 13 को वैध पेपर्स के देखे गए और फिर 17 को नाम वापसी है और 1 दिसंबर को मतदान होना है। मेरा चिन्ह मिला है कुछ आपको? इसमें सर चिन्ह नहीं होता है। अच्छा। नाम के सामने प्रथम वरीयता का वोट देकर प्रथम वरीयता में 1 लिख करके नाम के सामने विजयी बनाया जाता है। क्या उद्देश्य रहेगा आपका, मतलब ये जो एमएलसी का चुनाव है शिक्षक वाला, इसमें क्या आपका उद्देश्य क्या रहेगा, मूल उद्देश्य क्या रहेगा? मूल उद्देश्य शिक्षक समाज वित्तविहीन शिक्षकों के रूप में और एडेड शिक्षकों के रूप में, साथ ही डिग्री कॉलेज और आईटीआई राजकीय विभिन्न प्रकार के कस्तूरबा, विभिन्न प्रकार के जो इंटर स्नातक या पीजी के स्तर के जो विद्यालय हैं उसमें सुख सुविधाओं को दिलाना और साथ ही साथ उनके मान सम्मान की रक्षा करना, ये मेरा प्रमुख। मदरसे भी आ रहे हैं आपके उसमें? जी, इसमें जो है 17 जनपद में विभिन्न एडेड मदरसों को उनके शिक्षक भी हैं, वहाँ की भी व्यवस्था को हमें देखना है और उन्हें भी जो मानदेय अभी तक नहीं मिला था उसके प्रति हमने कार्य किया और साथ ही कार्य करने के साथ साथ अभी 700 करोड़ के लगभग जो है केंद्र सरकार ने रिलीज किया है वह मानदेय अब मिलने वाला है। लेकिन वह लड़ाई, पूरी लड़ाई अभी हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन मदरसे के आधुनिकीकरण संघ के जो हेड हैं वह भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं कि मान सम्मान सभी मदरसों के मौलवी मौलाना हाफिज सभी साथियों को मिलने का कार्य हो।